प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का दौरा किया। यहां उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के धार्मिक स्थलों की वार्षिक चार धाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़क ऑल वेदर रोड का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, विकास के नए अवसर प्रदान होंगे। पीएम ने कहा कि इसके बनने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर आने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात का जवाब देते हुए कहा कि गाँव में बिजली को पहुँचाने का काम अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए किया जाता है। पीएम ने कहा कि 20 साल बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, लोगों ने मुझे चौकीदार बनाया है, इसलिए कुछ लोग अब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है और काले मन ने भी बर्बाद किया है। मैं देश का रक्षा कवच बनकर बैठा हूँ, जब मैं बैठा हूँ देश को लूटने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ मुट्ठी भर बेईमानों ने ईमानदारों को दबा रखा है। वहीं हरीश रावत की सरकार पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उत्तराखंड को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने कहा कि यहां के विकास के लिए डबल इंजन की जरूरत है, इसके लिए दिल्ली और देहरादून के इंजन की जरूरत है। दिल्ली में आप लोगों ने सरकार बना दी, यहाँ भी बनाने की जरूरत है। तो काला धन और काला मन दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब देश को लूटने वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये तमाम बातें आज पीएम मोदी ने उत्तराखंड में कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील भी की है। देखते रहिए डीबी लाइव।